महाराष्ट्र में आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियां जोर पकड़ रही है। हालांकि अभी तक चुनाव की तारीख तय नहीं हुई है। एमवीए गठबंधन में सीट आवंटन पर चर्चा जारी है। महाविकास आघाड़ी में राज्य की 48 लोकसभा सीटों में से सिर्फ 9 सीटें ऐसी है जिस पर पेच फंसा हुआ है। बाकी अन्य सीटों पर सहमति बन गई है। बताया गया कि महाविकास आघाड़ी गठबंधन के नेताओं ने लोकसभा क्षेत्रों को छोड़कर इन सीटों पर कौन चुनाव लड़ेगा इस पर लगभग अंतिम निर्णय ले लिया है। 18 लोकसभा सीटें ठाकरे समूह के हिस्से में आने की संभावना है। इनमें से 4 लोकसभा क्षेत्र मुंबई के बताए जाते हैं। पिछले साल मातोश्री में हुई समीक्षा बैठक में शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने मुंबई की 6 में से 4 सीटों पर चुनाव लड़ने का निर्देश दिया था। बीजेपी के साथ पिछले गठबंधन के विपरीत जहां ठाकरे समूह ने मुंबई में केवल 3 उम्मीदवार उतारे थे, इस साल के चुनाव में वो कुल 4 सीट पर अपने उम्मीदवार उतारने की तैयारी कर रहे हैं। महाराष्ट्र में आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियां जोर पकड़ रही है। हालांकि अभी तक चुनाव की तारीख तय नहीं हुई है। एमवीए गठबंधन में सीट आवंटन पर चर्चा जारी है। महाविकास आघाड़ी में राज्य की 48 लोकसभा सीटों में से सिर्फ 9 सीटें ऐसी है जिस पर पेच फंसा हुआ है। बाकी अन्य सीटों पर सहमति बन गई है। बताया गया कि महाविकास आघाड़ी गठबंधन के नेताओं ने लोकसभा क्षेत्रों को छोड़कर इन सीटों पर कौन चुनाव लड़ेगा इस पर लगभग अंतिम निर्णय ले लिया है। 18 लोकसभा सीटें ठाकरे समूह के हिस्से में आने की संभावना है। इनमें से 4 लोकसभा क्षेत्र मुंबई के बताए जाते हैं। पिछले साल मातोश्री में हुई समीक्षा बैठक में शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने मुंबई की 6 में से 4 सीटों पर चुनाव लड़ने का निर्देश दिया था। बीजेपी के साथ पिछले गठबंधन के विपरीत जहां ठाकरे समूह ने मुंबई में केवल 3 उम्मीदवार उतारे थे, इस साल के चुनाव में वो कुल 4 सीट पर अपने उम्मीदवार उतारने की तैयारी कर रहे हैं।